गोरखपुर में बच्चों युवाओं की भीड़ देखकर रुके सीएम योगी। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने की तैयारी में बीजेपी। यूपी में अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है सरकारी योजनाएं। चुनाव मशीनरी ने बनाया मतदान बढ़ाने का खास प्लान। यूपी के 61 जिले हुए कोरोना से मुक्त। अखिलेश ने कहा भाजपा ने किया किसानों का अपमान। सपा से गठबंधन करने को तैयार हैं ओबीसी। कौन थामेगा बसपा की बागडोर। मैडम मायावती ने खोले बत्ते। पूर्वांचल में बाढ़ सरयू राप्ती समेत कई नदियां हुई विकराल। जेल भेजे गए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। महायोगी गुरु गोरक्षकनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर सीएम योगी आदित्यनाथ हेलीपैड के लिए अपनी फ्लीट में बैठने जा रहे थे कि बच्चों और युवाओं की भीड़ देखकर ठिठक गए। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए निकट पहुंचे तो बच्चों की खुशी देखते ही बन रही थी। सीएम ने सभी से पूछा ठीक हो। योगी के रूबरू होने से बच्चों का हौसला बढ़ा तो मोबाइल निकालकर तस्वीरें लेने लगे। मुस्कुराते हुए योगी ने युवाओं से कहा कि अब यहाँ विश्वविद्यालय बन रहा है, पढ़ने आओगे ना? सबने जोर से जवाब दिया हाँ। सीएम के अभिवादन में जोरदार तालियां भी बजाई। 31 अगस्त को राज्य में पार्टी के 1918 मंडलों में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर स्वर्गीय कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देगी। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि इस दिन राजधानी लखनऊ में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि स्वर्गीय कल्याण सिंह गांव, गरीब व किसानों के नेता थे। बाबूजी सदैव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा प्रशस्त अंत्योदय पथ के अनुगामी रहे व जन नेता थे। भाजपा बूथ सत्यापन अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को आजमगढ़ क्षेत्र के बाबू की खजूरी में भूपेंद्र सिंह के आवास पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष धूप सिंह ने कहा कि भाजपा का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ धीरे धीरे साकार होते हुए दिख रहा है। केंद्र और प्रदेश चल रही योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है। राज्य में अगले साल की शुरुआत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर चुनाव मशीनरी खासी मशक्कत करेगी। अब तक राज्य में विधानसभा चुनाव का मतदान प्रतिशत 60 के आसपास रहा, जिसे इस बार बढ़ाकर 70 से 75% तक ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस अभियान में आशा बहुएं, एनएम, शिक्षा मित्र, पंचायत अधिकारी, शिक्षा आदि जुटाए जाएंगे। मतदान प्रतिशत बढ़ाने का यह अभियान पिछले 2 दिनों के दरमियान केंद्रीय निर्वाचन आयोग में हुई कार्यशाला में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के क्रम में शुरू किया जाएगा। इस कार्यशाला में उत्तर प्रदेश सहित उन 5 राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी व अन्य अफसर शामिल हुए जहां अगले साल मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी में कोविड टीकाकरण के महाअभियान में शुक्रवार को 27 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली व दूसरी खुराक दी गई। इससे पहले 3 अगस्त को 29.52 लाख लोगों को टीके लगे थे। अब तक कुल 6,95,00,000 लोगों के टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 5,85,13,633 लोगों को टीके की पहली खुराक और 1,24,925 लोगों को दूसरी खुराक लग चुकी है। टीकाकरण के इस महाअभियान के लिए शुक्रवार को पूरे प्रदेश में कुल 12,012 केंद्र बनाए गए थे, जिनमें से 11,884 सरकारी और 128 निजी टीकाकरण केंद्र थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सैफई में कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी विचारधारा वाले सभी दलों को सपा में स्वागत है। समाजवादी विचारधारा वाले दलों से ही गठबंधन किया जाएगा। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को सबसे ज्यादा भाजपा सरकार में भी अपमानित किया गया है। देश को अन्न देने वाले किसानों को आतंकवादी तक कह दिया गया। जनता इसका जवाब चुनाव में देगी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। कोई किसानों का तो कोई मुसलमानों का खुद को मसीहा बता रहा है। जातिवाद और विकास के नाम पर वोटों को जोड़ने मंडोड़ने का काम शुरू हो गया है। छोटे छोटे दलों ने मिलकर बड़ी पार्टियों को घेरने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसी क्रम में शुक्रवार को लखनऊ में ताज होटल में एबीवीपी ने शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें सुबह सपा के ओम प्रकाश राजभर, AIMIM प्रमुख असीउद्दीन ओवैसी और भीम आर्मी चीफ व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी आए। ये तीनों नेता एक दूसरे से मिले और प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी की। इन तीनों की मुलाकात के बाद प्रदेश में राजनीति की गर्म हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तराधिकारी को लेकर बीच बीच में छिड़ रहे बहस पर पूरी तरह विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक है, अभी किसी को भी अपना उत्तराधिकारी बनाने की जरूरत नहीं है। कहा कि उन्हें अनफिट होने में अभी काफी वर्ष लगेंगे, जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तब काशीराम की तरह अपना उत्तराधिकारी दलित वर्ग से किसी को घोषित करेंगी।
उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। गोरखपुर बस्ती मंडल में सरयू, राप्ती, गोरा, आमी सहित आधा दर्जन से ज्यादा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गांव के गांव जलमग्न हो गए हैं, आवागमन बाधित है, तटीय इलाकों में दहशत व्याप्त है। प्रशासन को नावें लगानी पड़ी हैं, पशुओं के चारे का संकट गहराने लग गया है। वहीं लगातार बारिश से शहरी इलाकों के भीषण जल जमाव से लोगों को दुश्वारियां झेल रही पड़ रही हैं। गली मोहल्लों, सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो गया है। लोगों के घरों के अंदर तक पानी पहुंच गया है। स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर से लेकर अस्पताल तक जल भराव है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर रेप पीड़िता के आत्मदाह करने के मामले में हजरतगंज पुलिस ने शुक्रवार को पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें गोमती नगर आवास से जीप में बैठाकर हजरतगंज कोतवाली लाया गया। उनके व बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ शुक्रवार को ही SSI दशिया शंकर द्विवेदी की तहरीर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में FIR दर्ज की गई थी। FIR SIT की जांच कमेटी की रिपोर्ट पर की गई। रिपोर्ट में बसपा सांसद अतुल राय और अमिताभ ठाकुर को दोषी पाया गया और बसपा सांसद रेप की इसी मामले से 2 साल से नैनी जेल में बंद हैं। अमिताभ को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में देर शाम अदालत में पेश किया गया, जहां प्रभारी CJM सत्यबीर सिंह ने उन्हें 9 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बिना अंकों के प्रोन्नत हुए स्नातक में दाखिला कैसे हो? UP बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में बिना अंकों के प्रोन्नत विद्यार्थियों के सामने आगे प्रवेश लेने की समस्या आ रही है। अब माध्यमिक शिक्षा विभाग इसके अंक देने पर विचार कर रहा है ताकि आगे प्रवेश में दिक्कत ना आ सके। 1.44 लाख विद्यार्थियों को बिना अंकों के प्रोन्नत किया गया है। आगरा में जहरीली शराब पीने से हुई कई लोगों की मौत के बाद आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त ने आगरा के जिला आबकारी अधिकारी व एक इंस्पेक्टर को चार्जशीट दी है, जबकि एक इंस्पेक्टर व 3 सिपाही निलंबित कर दिए गए हैं। प्रयागराज मुख्यालय से गुरुवार शाम आदेश जारी कर दिया गया था। प्रदेश में स्थिति सभी राजकीय एडेड व निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक संस्थाओं में ऑनलाइन CBT प्रवेश परीक्षा 31 अगस्त से 4 सितंबर तक 3 पालियों में होंगी। ये जानकारी संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के प्रभारी सचिव राम रतन ने दी है। उत्तर प्रदेश की पर्यटन नगरी आगरा में एक महिला सिपाही इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो पोस्ट कर अचानक चर्चा में आ गई है। इस सिपाही का वीडियो वायरल होने के बाद मामला इतना बड़ा कि आगरा के SSP ने उन्हें लाइन हाजिर करते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वायरल वीडियो में आगरा की कांस्टेबल प्रियंका मिश्रा रंगबाजी में UP की तुलना पंजाब और हरियाणा से करती दिख रही हैं। वीडियो में प्रियंका यूनिफॉर्म पहनी हुई है और हाथ में रिवॉल्वर लहरा रही हैं। जिस वीडियो पर वह एक्टिंग कर रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि हरियाणा पंजाब तो बेकार ही बदनाम है, आओ कभी उत्तर प्रदेश, रंगबाजी क्या होती है हम तुम्हें बताते हैं। 22 सेकंड के इस वीडियो में वह पूरे समय रिवॉल्वर दिखाते हुए नजर आती हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए Shubh24 के साथ। नमस्कार। Oh, 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 oh